अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो दोस्तों, ठीक ठाक हो? बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाला है। उसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का बैंक कौन सा, इंडिया का बैंक कौन सा और चाइना का बैंक कौन सा, किस लेवल का और इनकी इन यानी किस लेवल पे हैं, और पाकिस्तान के बैंक कैसे किस पे बेस पे काम करते हैं, इंडियन बैंक किस तरह काम करते हैं और चाइनीज बैंक। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये वीडियो देख के, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तीनों मालिक के बैंक्स का हमें पता चलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों हम ये अभी फौरन से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों ही एशिया की खास कंट्रीज हैं और आपस में कई तरह की सूचना हमें रहती है। तीनों ही कंट्रीज अपने प्रोग्रेस के लिए और अपनी फाइनेंस और इकोनॉमी को बढ़ाने और बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत भी करती है। अब फाइनेंस की बात आई है तो आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICB न सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, और पाकिस्तान के पहले नंबर पर सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक लिमिटेड है। आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तीन बैंक्स के बीच कंपैरिजन करेंगे, यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स को आज इस वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स जैसे लोकेशन, हिस्ट्री, एम्प्लॉइज, रैंक और रेवेन्यू के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉक फैक्ट्स। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICB एक मल्टीनेशनल चाइनीज बैंकिंग कंपनी है। ये एक स्टेट ओन कमर्शियल बैंक है। इस बैंक का कैपिटल चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया गया है। ICB वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 221st रैंक पर है और इस लिस्ट में ये इकलौता इंडियन बैंक है। वहीं हबीब बैंक लिमिटेड यानी HBL एक पाकिस्तानी मल्टीनेशनल बैंक है। असेट्स के मामले में HBL पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका नाम लगातार फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में पाकिस्तानी टॉप कंपनीज में जरूर आता है। नंबर टू, फाउंडेड इन। ICB की शुरुआत 1984 यानी आज से 37 ईयर्स पहले बीजिंग चाइना में हुई थी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की शुरुआत 1 जुलाई 1955 यानी आज से 65 ईयर्स पहले हुई थी। उससे पहले 1921 में इसकी शुरुआत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से हुई थी। HBL यानी हबीब बैंक की शुरुआत 25 अगस्त 1941 यानी आज से 79 ईयर्स पहले हुई थी। नंबर थ्री, हेडक्वार्टर। ICB स्थित है चाइना की बीजिंग सिटी में। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर स्टेट बैंक भवन MC रोड नरीमान पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में स्थित है। वहीं पाकिस्तान की कराची में हबीब बैंक प्लाजा में स्थित है HBL। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो। नंबर फोर, हिस्ट्री। 1 जनवरी 1984 में ICB को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू किया गया था। लग्जमबर्ग में ICB ने अपना ब्रांच स्टार्ट किया था जो 2011 में यूरोपियन हेडक्वार्टर बना दिया गया। ये ब्रांच यूरोप की मेजर सिटीज को संभालती थी जैसे पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, मिलान, मैड्रिड, बार्सिलोना, वार्सा और लिस्बॉन। ICB बैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया और साल 2006 में ICB बैंक ने अपने 2.5 मिलियन कॉर्पोरेट कस्टमर्स और 150 मिलियन इंडिविजुअल कस्टमर्स बना लिए थे। साल 2006 में ही तीन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ने मिलकर ICB में 3.7 बिलियन US इंजेक्ट किए और इसके बाद से आज तक भी ICB बैंक की रैपिड ग्रोथ नहीं रुकी है। वहीं स्टेट बैंक की जड़ें 19th सेंचुरी से जुड़ी है, जब 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई जिसका नाम बाद में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स में एक था। बचे दो में थे 15th अप्रैल 1840 में स्थापित किया बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 में एस्टैब्लिश किया गया बैंक ऑफ मद्रास। 27 जनवरी 1921 में ये तीनों बैंक्स मिल गई और मिलकर बनी द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई साल 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। मार्च 2009 में SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के मिलकर टोटल एसेट्स 99,81,199 मिलियन रुपीस थे। अप्रैल 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर SBI से मिल गया और अगस्त 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की सारी ब्रांचेस SBI की ब्रांचेस बन गई और इस तरह SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस मुकाम तक पहुंची। वहीं 1941 में शुरू की गई हबीब बैंक लिमिटेड पाकिस्तान की फर्स्ट कमर्शियल बैंक बन गई और 1951 में HBL ने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच कोलंबो श्रीलंका में शुरू की।
साल 1972 में हबीब बैंक ने अपना हेडक्वार्टर बदलकर द हबीब बैंक प्लाजा में शिफ्ट कर दिया, जो उस वक्त पूरे एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। 1941 में हबीब बैंक खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया था, जिसका ऑफिस बॉम्बे यानी मुंबई में था। पार्टीशन के दौरान हबीब बैंक ने मुस्लिम कम्युनिटी की कई तरह से मदद की और साल 1947 यानी पार्टीशन के बाद हबीब बैंक ने अपना हेडक्वार्टर बदल दिया और कराची पाकिस्तान को चुन लिया, जिसके कारण नए पाकिस्तान की कराची को अपना पहला कमर्शियल बैंक मिल गया। 1957 से 2016 के बीच हबीब बैंक ने कई इंटरनेशनल लोकेशंस पर अपनी ब्रांचेस की स्थापना की, जिनमें सिंगापुर, यूएई, न्यूयॉर्क सिटी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और भी कई जगह है। आखिरी बार 2016 में हबीब बैंक ने अपनी एक ब्रांच चाइना में हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन में खोली। नंबर 5, नंबर ऑफ लोकेशंस। वर्ल्ड वाइड आईसीबी बैंक की 17,000 प्लस ब्रांचेस है और इसका अस्तित्व 41 कंट्रीज में है। वहीं वर्ल्ड वाइड एसबीआई की ब्रांचेस 22,141 है, वो भी 36 कंट्रीज में, जिसके कारण ये इकलौता इंडियन बैंक है जिसकी फॉरेन मार्केट में इतना लार्ज प्रेजेंस है। वहीं कुल 25 कंट्रीज में हबीब बैंक की 1,700 ब्रांचेस मौजूद हैं। नंबर 6, की पीपल। आईसीबी के चेयरमैन शेन सिकिंग और सीईओ गुशु है। वहीं एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है। वहीं हबीब बैंक चेयरमैन सुल्तान अली अलाना और प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगजेब है। नंबर 7, एम्प्लॉयज। आईसीबी में 4,53,048 एम्प्लॉयज मौजूद है। वहीं एसबीआई में टोटल एम्प्लॉयज की गिनती 2,49,448 है। वहीं एचबीएल यानी हबीब बैंक में कुल 15,000 प्लस एम्प्लॉयज मौजूद है। नंबर 8, रैंक। लार्जेस्ट बैंक बाय टोटल एसेट इन द वर्ल्ड की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर 4,324.27 बिलियन यूएस डॉलर्स के टोटल एसेट के साथ आईसीबी यानी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का नाम है। वहीं इस लिस्ट में 43rd रैंक पर 730.54 बिलियन के टोटल एसेट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मौजूद है। लार्जेस्ट बैंक बाय टोटल एसेट की इस लिस्ट में टॉप 100 में चाइना की 19 बैंक्स और इंडिया की अकेली स्टेट बैंक है। इस लिस्ट में पाकिस्तान की हबीब बैंक या किसी और बैंक का नाम फिलहाल मौजूद नहीं है। लार्जेस्ट बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन के टॉप 70 की लिस्ट में सेकंड रैंक पर 345.214 बिलियन यूएस डॉलर्स के कैपिटल के साथ आईसीबी का नाम है। चाइना की इस लिस्ट में 12 बैंक्स हैं। इस लिस्ट में 61st पोजीशन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, जिसका कैपिटल 40.562 बिलियन यूएस डॉलर्स है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया की इस लिस्ट में 2 बैंक्स हैं, जिसमें एसबीआई से पहले 21st रैंक पर 88.435 बिलियन यूएस डॉलर्स के कैपिटल के साथ एचडीएफसी बैंक का नाम मौजूद है। इस लिस्ट में भी पाकिस्तान की बैंक्स नहीं है। नंबर 9, नेट इनकम। आईसीबी की नेट इनकम 43.42 बिलियन यूएस डॉलर्स है, एसबीआई की नेट इनकम 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है और एचबीएल की नेट इनकम 51 मिलियन यूएस डॉलर्स है। नंबर 10, रेवेन्यू। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी आईसीबी का रेवेन्यू 105.4 बिलियन यूएस डॉलर्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 52 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं हबीब बैंक लिमिटेड यानी एचबीएल का टोटल रेवेन्यू 720 मिलियन यूएस डॉलर्स है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान, चाइना और इंडिया की लार्जेस्ट बैंक का कंपैरिजन। तो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर देखना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। सो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके पर हमें अभी रिव्यू स्टार्ट करना है। सो चाइना क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो हम सोच सकते हैं ये इसी तरह इंडिया भी, तो पाकिस्तान का इन दोनों ममालिक से मुकाबला नहीं है। करेंसी में देखा जाए, मतलब हमारे पास हमारे स्टेट बैंक के जितने के पास जितने पैसे हैं वो देखे जाएं, उसके बाद इंडिया के स्टेट बैंक जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे, इतनी ज़्यादा आबादी है। फिर उसके बाद इंडिया अब थोड़ा ट्रैक पे भी है और काफ़ी अरसे से उसके अंदर उसके पास गवर्नमेंट्स अच्छी हैं उस मुल्क के लिए, और चाइना तो रैपिड, मैं कहता हूँ कि बहुत फास्ट जा रहा है, सो सुपर पावर है वो तो अब इस टाइम। सो पाकिस्तान जो है वो पीछे है काफ़ी। एच बी एल जो है वो मैंने ये देखा है, अभी मुझे जो पता है 41 में बना था एच बी एल, तो उस लिहाज से वो बाकी बैंकों से उस वक्त आगे था। जो बाद में बने हैं वो तो थे ही, मतलब ये दोनों बैंक ऐसे हैं जो बाद में आए हैं, तो एच बी एल को काफ़ी आगे होना चाहिए था, मगर खैर। तो इसमें यही हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितने ज़्यादा कंट्रीज़ में आप करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा, जितने ज़्यादा आप एसेट्स अपने क्रिएट करेंगे। सो उन्होंने दूसरे दोनों बैंक्स ने क्रिएट किए हैं, जैसे 22,000 ब्रांचेस, 17,000 ब्रांचेस और पाकिस्तान एच बी एल की सिर्फ 1,700 ब्रांचेस, तो जाहिर सी बात है फिर कैपिटल पर भी असर पड़ेगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो एक ज़रूरी काम आप लोगों ने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आगे नहीं जाना आप लोगों ने बिल्कुल भी,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे एक बटन है लाइक का, उसको लाजमी तौर पे क्लिक करें, और लाइक किए बगैर भी आपने नहीं जाना। आपकी ये सपोर्ट हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह हमारा चैनल भी बहुत ग्रो करेगा। सो इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा आप लोग सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह हम आपसे इसी तरह रेगुलर आपसे बेहतरीन वीडियोस पे, आप लोगों की हमें आप जो सजेस्ट करेंगे उस उन वीडियोस पे आपसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।